गढ़वाल के मुनि की रेती थाना क्षेत्र में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद लगातार जाम की समस्या बनी हुई है। साथ ही बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश होने के कारण पर्यटकों से भी यातायात पर दबाव बनता नजर आया, लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेश पर सीओ ने अपनी यातायात टीम के साथ सड़क पर खुद मोर्चा संभाला, जिसके बाद यातायात सुचारू रूप से चलने में लोगों को काफी राहत मिली। बता दें, दो दिन पहले निरीक्षण के दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने जाम की समस्या को गंभीरता से लिया। उन्होंने टिहरी जिले के पुलिस एसएसपी को जाम की समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए, जिसके बाद टिहरी एसएसपी ने सीओ सदर सुरेंद्र बलूनी को मुनि किरेती क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए कमान दी। सीओ सदन ने ट्रैफिक व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में आने जाने वाले ट्रैफिक को गरुड़ चट्टी और तपोवन तिराहे से डाइवर्ट कर निकाला, जिससे मुनि की रती क्षेत्र में ट्रैफिक भले ही धीरे चला, लेकिन जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई। देख रहे हैं कि जब से कपाट खुले हैं, यात्रियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वाहनों का दबाव आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में वाहन चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है, हमारे एसएसपी महोदय ने जो है मुझे यहाँ भेजा, ग्राउंड जीरो पे भेजा है। मैं स्वयं अपनी टीम के साथ, दोनों टीआई रोड पे हैं, इंटरसेप्टर आप देख ही रहे हैं यहाँ पे है, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यातायात रुके नहीं, बस चलता रहे। सर, कौन कौन सी टीम, सीपीयू वगैरह, कैसे टीमें सड़कों पर हैं आप लोग? जी, दो टीआई मौके पे हैं, एक टीआई हमारे पीछे डायवर्जन पे लगे हुए हैं, एक मेरे साथ मौके पे हैं, मैं स्वयं सड़क पे हूँ, आप देख ही रहे हैं। तो आज देख ही रहे हैं आपके ट्रैफिक